Vegas with a sledgehammer. Spear! तो हेलो गाइस, माय नेम इज रूबेन, यू आर वाचिंग रेसलिंग। वैसे मुझे पता भाई, आपने यहाँ पे टाइटल देख के आके भाई ऐसा क्या कर दिया रोमन रेंस ने कि वो इतना बढ़िया हील है जितने बढ़िया वो फेस नहीं रहे हैं। तो भाई मैं आपको सारी चीज़ समझा दूँगा कि WWE लेजेंड्स का क्या कहना है और एक्चुअल में क्या चीज़ वो ऐसा कर रहे हैं कि WWE का स्मैकडाउन का एपिसोड बहुत सही जा रहा है भाई रॉ से। तो ऐसा क्या हो रहा है सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। लेकिन यार पहली बार आया तो सब्सक्राइब करो यार, क्या करो, इतना अच्छा मैं यहाँ पे कंटेंट आपके लिए लाता हूँ रेसलिंग से रिलेटेड, WWE से रिलेटेड सारा कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिलता रहता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं एक्चुअल में हुआ क्या। मैं आपको बता दूँ, एक WWE लेजेंड ने ये बात कही कि भाई बेबी फेस का रोल करना ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हालांकि हील करना फिर भी थोड़ा सा उतना मुश्किल नहीं है। अब ऐसा क्यों है, बेबी फेस के साथ भाई बहुत प्रॉब्लम्स होती है। तुम्हें पता है भाई सामने वाला बंदा तुम्हें धोने वाला है, तुम्हारी बेइज्जती करने वाला है, लेकिन फिर भी तुम्हें अच्छा बनकर रहना उसके साथ। तुम्हें पता भाई तुम्हें अंदर से गालियां निकल रही, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम उसका मुंह फोड़ना चाहते हो, लेकिन नहीं, तुम्हें बिहेव करना है कि भाई तुम बेबी फेस हो, तुम्हें नहीं करना कुछ ऐसा रिएक्ट, तुम्हें नहीं उस पर गुस्सा करना, तुम्हें नहीं उस पर चिल्ला सकते, और जिस तरीके से वो तुम पर अटैक कर सकता है ना तुम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली फेस वाला जो रोल होता है वो करना बहुत मुश्किल होता है। प्लस जो माइक पे होता है ना, माइक पे जो बंदे की क्वालिटी होती है वो बहुत ज्यादा गिर जाती है। तो यही चीज हुई रोमन रेंस से, जब रोमन रेंस को यहाँ पे माइक दिया गया ना तो वो तो ऐसे कुछ करते थे यार, ऐसे जब वो बोलते थे ना तो WWE जो यहाँ पे पूरी यहाँ पे जो क्राउड था उनको प्रॉपर एक यहाँ पे चेयर मिलता था वो, लेकिन वो चेयर भी बहुत कम टाइम तक मिला बेसिकली। एंड उनका रहा रेसलमेनिया के, बेसिकली रेसलमेनिया 2016 तक, रेसलमेनिया 32 जो हुआ था, बहुत ज्यादा उनको यहाँ पे चेयर मिला जब उन्होंने यहाँ पे ट्रिपल एच को हराया था और WWE चैंपियन बन गया। लेकिन ऑब्वियसली उसके बाद बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, क्राउड भाई मतलब हो गया भाई उसका, हो गया काफी बार ऐसा होता है भाई बंदों को बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलने लग जाता है, कब तक तुम फेस दिखाओगे, बस हो चुका है उसका फेस, अब उसको कुछ तो चेंज करो। तो बहुत ज्यादा हैवी क्रिटिसिज्म मिला, खासकर भाई रेसलमेनिया 33 में जब रोमन रेंस ने डेड मैन को हराया, तब तो अलग ही नेक्स्ट लेवल का क्रिटिसिज्म उन्हें मिल रहा था। हालांकि उन्हें जब उन्होंने बताया ल्यूकीमिया वगैरह होगा तब थोड़ी सी यहाँ पे जो सिचुएशन है वो ठीक हुई, लेकिन भाई उसके बाद एंड में जब 2020 में रोमन रेंस हील बन गए, सबकी आंखें फट गई भाई। मैं सच बताऊं हील में वो बंदा इतना अमेजिंग लग रहा था, इतना बैड एस लग रहा था, मुझे बहुत सही लगे थे। आपका क्या ओपिनियन नीचे आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों है कि वो इतने ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। पहली बात होती है, सारे पॉइंट्स टू पॉइंट्स हम बात करेंगे, सबसे पहली जो चीज है वो निकल के आती है इन रिंग गियर। बेसिकली जो उनका अटायर है ना वो पहले बहुत ज्यादा एक्चुअल में बेबी फेस जैसा लगता था, उनकी यहाँ पे वेस्ट होती थी, नॉर्मल से ग्लव्स होते थे, और उनकी जो एक आउटफिट थी वो ऑब्वियसली यहाँ पे एक बेबी फेस जैसी लगती थी। लेकिन जैसे उन्होंने रिटर्न करा ना भाई, जैसे उन्होंने ब्रॉन स्ट्रोमन पे अटैक किया था और बेसिकली जो फीन थे उन पर अटैक किया था, भाई बंदे ने तबाही मचा दी। प्लस उनका जो अब अटायर हो गया वो एक सिंपल सी टी शर्ट डालते हैं, प्लस उस टी शर्ट में नजर आता है भाई उस बंदे की क्या बॉडी है, कितना खतरनाक वो बंदा टी शर्ट पहनते हैं या फिर कुछ भी नहीं पहनते हैं, भाई बहुत अमेजिंग उनकी बॉडी लगती है। और बॉडी से मैं दूसरे पॉइंट में आना चाहूंगा, उनका ट्रांसफॉर्मेशन। बेसिकली आप ट्रांसफॉर्मेशन में क्यों कह रहा हूँ, पहली वाली बॉडी आप देख सकते हो और अब वाली बॉडी देख सकते हो, आपको नजर आ रहा है भाई कितना फर्क है, अब कितनी ज्यादा उनकी बॉडी बड़ी लग रही है, गेन लग रहे हैं उसकी बॉडी पे कि भाई बंदे ने गेन करा भाई, अच्छी खासी मसल पुट ऑन करी है उन्होंने भाई, बहुत अमेजिंग उन्होंने बॉडी बनाई। तो इस वजह से भी WWE का जितना भी यहाँ पे क्राउड है ना, वो पहली बात उन्हें यहाँ पे बूतो कर रहे हैं, लेकिन भाई बंदे को भी पता, हर बंदे को पता कि इसी बंदे ने स्मैकडाउन को संभाल रखा, ऑब्वियसली और भी बंदे हैं पर रोमन रेंस वो हमेशा एक हाईलाइट बन जाते हैं। तीसरी चीज भी यहाँ पे लुक से रिलेटेड आती है और वो है बियर्ड और हेयर स्टाइल। बेसिकली मैं आपको बता दूं, पहले वाला जो यहाँ पे बियर्ड और हेयर स्टाइल था ना वो WWE को एक टाइप पे बहुत पसंद आता था, लेकिन भाई बंदे जो है उससे ऊब गए थे, प्रॉपर नजर आ रहा था उनकी यहाँ पे क्राउड में जब यहाँ पे बू चलते थे प्रॉपर नजर आ रहा था भाई हो चुका है, प्रॉपर हम बोर हो चुके, कुछ तो चेंज करो यार। तो फिर उस टाइम यहाँ पे WWE ने अब क्या किया, एक खतरनाक सी बियर्ड दे दी और एकदम यहाँ पे जो हेयर स्टाइल है वो अमेजिंग हो गया भाई। तो ऑब्वियसली लुक्स के मामले में वो भी आता है और भाई लुक्स में वो वाली जो बियर्ड है ना और जो यहाँ पे हेयर स्टाइल है वो बहुत अमेजिंग है। अगली जो चीज़ है वो किसी भी लुक से रिलेटेड नहीं, वो है इन रिंग पर्सोना। अब बेसिकली मैं आपको बता दूँ, रोमन इसको बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है कि भाई तुम्हें जिस तरीके से अपना कैरेक्टर को पोर्ट्रे करना है तुम उस तरीके से पोर्ट्रे करो, और इसीलिए बंदा बहुत ज़्यादा फ्री होकर बोलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो हील है, वो कुछ भी बकवास मतलब बकवास तो नहीं, कुछ भी वो बोल सकता है, लेकिन उस चीज़ से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बंदा क्या रिएक्ट करे, क्योंकि मैं तो हील हूँ ना, तुम क्या कर लोगे, तुम बू करोगे, कर लो बू, मैं तो हूँ ही हील। तो भाई उस बंदे को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी गई है। तो इसीलिए WWE में रोमन रेंस का क्या लेवल है अब यहाँ पे वो हमें नजर आ रहा है भाई, वो किस तरीके से प्रोमोस काटते हैं, उनका यहाँ पे बोलने का ढंग बहुत बेहतर हो चुका भाई पहले से। पहले कैसे बोलते थे, पहले कैसे प्रोमोस होते थे आपको पता है, और अब देखो भाई कैसे प्रोमोस होते हैं, वाट लगाते थे वो सिर्फ माइक पे बोलने से अपनी वाट लगा देते किसी की भी। तो इसीलिए भाई उनका इन रिंग पर्सोना बहुत अमेजिंग है, वो किसी भी करेक्टर में ढल सकते हैं, और इसीलिए वो हील में उनको बहुत फ्रीडम दी गई है। वो अंदर का यहाँ पे गुस्सा जो होता है वो एग्रेशन जो है जो स्टार्टिंग से उनकी फाइट्स में नजर आता था उनके प्रोमो में भी नजर आता है और उनकी यहाँ पे फाइटिंग में तो नजर आते हैं भाई, अलग ही लेवल है। अगली बड़ी चीज़ और लास्ट चीज़ आती है पॉल हेमन। अब बंदे के पास जब यहाँ पे कोई मैनेजर होता है ना तो उसका पता चलता है भाई ये बंदा हील है, क्योंकि ऑब्वियसली बीच बीच में मैनेजर आके भी कुछ ना कुछ उंगल करता रहता है मैच में और बंदे को जितवा देता है। तो ऑब्वियसली मैनेजर
एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता, खासकर पॉल हेमन। भाई पॉल हेमन नेक्स्ट लेवल है, आपको बता दूं, बेसिकली जितने भी मैनेजर रहे हैं ना WWE में, उनमें से सबसे बड़े मैनेजर में से पॉल हेमन भी आते हैं। उनके रिएक्शन देख लो, उनके प्रोमो देख लो, ऐसे कई बार अनस्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं जो पॉल हेमन कर देते हैं और वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाती है, वो अपने आप कर देते हैं इतने लाइव ऑडियंस के सामने। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या पता यहाँ पे बॉच हो जाए कोई, क्या पता मैं खराब कर दूँ, नहीं, उनमें इतना कॉन्फिडेंस है। तो भाई इसलिए वो बहुत बंदा बहुत लेजेंड है। तो भाई यही मैंने आपको कुछ रीज़न दिए कि क्यों वो हील में ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। हमें अंदर से पता चल रहा है भाई ये बंदा हील है लेकिन और अच्छा भी लग रहा है, पर ऐसा क्यों? और मैंने आपको सारी चीज़ समझा दी है। आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? प्लस आपको रोमन है फेस में पसंद है, हील में पसंद है? आप नीचे कमेंट में भी बता सकते हो। प्लस आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट में डाल देना, उसमें अगली वीडियो बना दूंगा। तो भाई वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना यार, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करो यार, ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। तो मिलता है नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।